माँ आपको ऊपर जाने की क्या जरूरत थी, आप मुझे बोल देती मैं ले आती। अब देखिए क्या हो गया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब आप यहाँ आराम करिए और मैं भैया से बात कर लूंगी। कुमुद बिल्कुल ठीक कह रही है, हम दोनों आपका ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, आपने भी तो हमारा ख्याल बहुत अच्छे से रखा था ना। अरे मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है और फिर तुम्हारे और दामाद जी के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? हम ऐसा दामाद भगवान सबको दे। मैं ये सोच रहा था कि हमें सासू माँ का ख्याल रखना होगा, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माँ सही कहती हैं कि ऐसा दामाद सबको मिले, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा पति किसी को ना मिले, सिर्फ और सिर्फ मुझे मिले, वो भी हर जन्म में। आप सोई नहीं अभी तक? वो हमें लगा कि शायद दर्द के मारे आपको सोने में तकलीफ हो रही हो। मुझे लगा ही था कि आपका दर्द इतनी आसानी से नहीं गया होगा। लाइए। ये लीजिए माँ आपका गरम गरम नाश्ता, फटाफट नाश्ता करिए, दवाई भी खानी है ना। मैं ये सोच रहा था कि आज दुकान को रहने देते हैं, तुम अकेले सब भागदौड़ कैसे करोगे, घर का काम और सासू माँ का भी तो ख्याल रखना है ना। एक काम करने के लिए दो लोगों की क्या जरूरत, और वैसे भी हम पहले भी तो काम कर चुके हैं ना और आगे भी कर लेंगे, और इतने दिनों से दुकान बंद है और मुझे नहीं लगता आगे बंद रहने का कोई मतलब है, तो आप फटाफट जाइए और दुकान खोलिए, मैं हूँ माँ का ख्याल रखने के लिए। हाँ कुमुद बिल्कुल सही कह रही है, आप मेरी वजह से अपने काम का नुकसान मत कीजिए, अब कुमुद है ना, कुमुद मेरा ख्याल रख लेगी। आप जाइए, आप अपना काम देखिए। अरे तुम यहाँ कैसे? हाँ हम यहाँ। मेरा मतलब है कि तुम सासू माँ को घर पे अकेला छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? अरे हम पागल थोड़ी ना है, माँ सो रही थी इसलिए उन्हें आराम करने दिया। मैं जब ही सोचूं कि तुम उन्हें अकेला छोड़ के यहाँ क्यों चली आई, और वैसे तुम आई क्यों हो बताओगी? अरे वो मुझे ना एक नाइटी लेनी थी, तो मैंने सोचा आप शॉप पर होंगे तो हम चल के यहीं से ले लेंगे ना। अरे वो अपने शर्मा जी है ना, तो जाते जाते ले लेंगे वहां से। सच में चलें? हाँ चलो।
रुकिए, मैं ले जाता हूँ, आइए आराम से, आराम से। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? हमें जो चाहिए वो मिलना इतना आसान नहीं है ना। खैर ये सब छोड़िए, आपकी दुकान कैसी चल रही है? दुकान बहुत अच्छी चल रही है, आज बहुत सारे कस्टमर आए थे और कमाई भी बहुत अच्छी हुई। कमाई से याद आया कि मैं कुमुद को शॉपिंग कराने ले गया था और उस समय मैंने आपके लिए भी कुछ खरीद लिया। अच्छा, क्या खरीदा आपने हमारे लिए, दिखाइए। दो मिनट दीजिए, मैं यूं गया और यूं आया, आप देख के बहुत खुश हो। जी अरे मैं कल रात को आपके पास आने ही वाला था लेकिन कुमुद ने मेरे को रोक लिया। कुमुद जग रही थी तो भला मैं कैसे आता। लाइए मैं आपके पाँव में तेल लगा देता हूँ जिससे आपका दर्द ज्यादा ना हो। मेरे पैर में नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैंने दवाई ले ली है, अब मुझे बस सोना है। आप जाइए यहाँ से। अरे आप यहाँ, माँ सो रही है, आपको दुकान नहीं जाना है? वो मैं सिर्फ इनका हाल चाल पूछने आया था। चलिए। मोहन का? वो दो चार दिन से आ नहीं रहे। आ नहीं रहे? जी। अच्छा, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। कॉल भी नहीं उठा रहा मोहन, मांजरा क्या है? लगता है ऐसे हाथ नहीं आने वाला मोहन बाबू, घर जाकर ही मिलना पड़ेगा मोहन बाबू से। ये कल रात से मैं आपको देना चाहता था लेकिन दे नहीं पाया, इसके लिए माफी। और एक बात, आपकी बेटी को भी ऐसी ही नाइटी मैंने दिलवाई है लेकिन सच बताऊं ये सिर्फ और सिर्फ आप ही पे सुंदर लगी और ये सिर्फ आप ही के लिए बनी है, मेरी तरफ से आपके लिए। जिसके लिए लायो उसी को दे दो, हमें नहीं चाहिए। अरे कल जब मैं ये खरीद रहा था आप ही मेरे दिमाग में चल रही थी, प्लीज ले लीजिए। हमने कहा ना हमें नहीं चाहिए। मोहन हमारे लिए लाए हो तो हम ही पहनेंगे। अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुए, दुकान नहीं जाना है क्या? कुमुद बात समझने की कोशिश करो, तुम रोज अपना ऑफिस का काम घर से ही कर रही हो और माँ का ख्याल भी रख रही हो तो ऑफिस वालों को ये लगेगा कि तुम अपने काम में सीरियस नहीं हो। तो तुम तैयार हो और सीधा ऑफिस जाओ, घर मैं संभाल लूंगा। वो मैंने ना सब्जी काट के रख दिए, आप ना उसमें गोभी मिला दीजिएगा, माँ को आलू गोभी की सब्जी बहुत पसंद है। हाँ कुमार, तुम पहले भी तो मायके जाती थी ना और उस समय खाना मैं ही बनाता था। हाँ? तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं माँ का और पूरे घर का अच्छे से ख्याल रखूंगा। माँ का ध्यान रखना, टाइम पे उनको खाना और दवाई दोनों दे देना। और हाँ मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा और सासू माँ का भी अच्छे से ध्यान रख लूंगा। और हाँ ये लो, लंच टाइम में बैंक में डिपॉजिट कर लेना और मैं घर पे ही बैठ के कस्टमर का फोन रिपेयर करूंगा, ठीक है? आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अब मैं जल्दी आती हूँ ऑफिस से, ठीक है? ठीक है।
वैसे मैं ये सब किसी को बोलता नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ। आई एम सॉरी क्योंकि मैं कल रात आ नहीं पाया। अगर कुमु जागी नहीं होती तो मैं जरूर आपके पास आता। अब मान भी जाइए। ना दुकान पर है ना घर का दरवाजा खोल रहा है, फिर चल क्या रहा है मोहन बाबू? लगता है पीछे के दरवाजे से जाना पड़ेगा। में चोट क्या लगी? आपके तो जन्नत के दरवाजे खुल गए। क्या हुआ? सीन कट गया, मजा खराब। इस सीन को पूरा देखना चाहते हो तो डाउनलोड और सब्सक्राइब करें। जस्ट क्लिक एंड वॉच।